न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच पहली टेस्ट सीरीज खेली गई, जहां कराची टेस्ट सीरीज में मुकाबला ड्रॉ साबित हुआ और टेस्ट सीरीज 0-0 से खत्म हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होगा, जिसका पहला मुकाबला 9 जनवरी को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए उतरेगी और 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी। बहरहाल, इस सीरीज से पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम लगातार सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को लेकर लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का भी लगातार सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाया जा रहा है। बहरहाल, इन सभी के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने भी अपनी बात रख दी है। अपने विवादित ट्वीट्स को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाला आइसलैंड क्रिकेट अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल आइसलैंड क्रिकेट के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की ओडीआई टीम का ऐलान किया और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात देखने को मिली कि पाकिस्तान के वर्तमान कप्तान बाबर आजम को उन्होंने ड्रिंक्स बॉय के तौर पर टीम में शामिल किया। सबसे पहले उस टीम की बात कर लेते हैं जिसे आइसलैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर जारी किया। उनमें एस अनवर अब्बास, इमामुल हक, जावेद मियादाद, मोहम्मद यूसुफ, इमरान खान कप्तान, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस और शहद मुश्ताक शामिल रहे। इसके अलावा ड्रिंक्स बॉय के तहत उन्होंने 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद हाफिज और शोएब मलिक का नाम शामिल रहा। आइसलैंड क्रिकेट ने अपनी ऑल टाइम ओडीआई टीम का ऐलान करते हुए बाबर आजम को बतौर खिलाड़ी न शामिल करते हुए ड्रिंक्स बॉय के तौर पर शामिल कर दिया। इसके अलावा 2 अन्य दिग्गज खिलाड़ियों को भी इसी सूची में शामिल किया। बहरहाल, बाबर आजम की बात करें तो उनकी कप्तानी लगातार चर्चे में है, लेकिन इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी लगातार हिट साबित हो रही है। बाबर आजम हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम के लिए रन बना रहे हैं। बाबर आजम का बल्ला लगातार शतक, अर्धशतक, चौके, छक्कों की बरसात कर रहा है। बाबर आजम पिछले 3 सालों में 5000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। बाबर आजम ने ही साल 2022 में दुनिया में सबसे ज़्यादा रन तीनों फॉर्मेट में मिलाकर के बनाए थे, लेकिन उनकी कप्तानी लगातार चर्चा में है और अब आइसलैंड क्रिकेट ने बाबर आजम को इसी के लिए ट्रोल किया है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।